हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल और उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, वो सारी बातें हम करने वाले, कितने पार्ट में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो सारा हम डिस्कशन आज के लेक्चर में करने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में करता क्या है, तो पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। जितने भी हमारे नेचर के अंदर आज के टाइम में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए बाय द टाइम, तो उन सभी एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो एक टेबल या हम बोल सकते एक सिस्टमेटिक वे में किया गया, उसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो ये क्या पीरियोडिक टेबल एक दिन में डेवलप हुई, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ने भी काफी टाइम लिया, तो इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल जो हमारा 11th क्लास का टॉपिक है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके अलावा इसी तरीके से एलिमेंट्स भी एक साथ डिस्कवर नहीं हुए, टाइम के साथ धीरे धीरे एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देयर इज ए ग्रेजुअल ग्रोथ इन केमिस्ट्री विद द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स बाय साइंटिस्ट। अगर इनिशियली अगर बात करें तो इन 1800 only 31 elements were there. ठीक है, 1800 के अंदर 1800 सदी के अंदर सिर्फ 31 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। उसके बाद 65 तक देखोगे तो 63 एलिमेंट आइडेंटिफाइड हो चुके थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे एलिमेंट आइडेंटिफाई हुए, एक दिन में कोई एलिमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और आज के टाइम एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इजिली दे आर क्लासिफाइड सिस्टमेटिकली। ठीक है, अब एलिमेंट्स हमने जैसे टाइम के साथ देखा, हमने पहले 31 थे, 63 हुए, फिर आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स हुए। तो इतने सारे एलिमेंट को स्टडी करना और उनको कैसे हम उनको ध्यान रखें, उनके बारे में पता करें कि कौन कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो उनको एक सिस्टमेटिक वे में हमने क्या करा, अरेंज करा है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में इस तरीके से अरेंज करा कि कुछ जो एलिमेंट सेम टाइप की प्रॉपर्टीज हो, एक साइड दिखे, एक साइड नजर आए, एक पैटर्न में नजर आए। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हमने क्या करा, क्लासीफाई करा है। तो व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, तो ऑब्वियस बात है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, एट प्रेजेंट जो इसमें लिखा है 114। ठीक है, तो 114 नहीं है, अभी कितना हो गए, 118 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, 118 एलिमेंट्स आर नोन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल एलिमेंट्स एट अ टाइम। फिर अगर हम बात करें आगे, तो सो एज टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इजिली दे आर क्लासिफाइड सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स है उनको उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमने उनको क्या करा, क्लासीफाई करा। अब इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है, ये ऐसा व्यू आपने पहले भी कभी देखा होगा अप टू 10th क्लास तक। ठीक है, कहीं ना कहीं बुक्स में या कहीं आपने किसी बुक्स के पीछे या कहीं मार्केट में कई तरह की बुक्स आती है उनके पीछे या नोटबुक के पीछे भी इस तरह का एक पैटर्न बना हुआ है। तो एक्चुअल में है क्या ये, इसे ही, ठीक है, ये क्या है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल कैसे क्या है, तो उसको समझने के लिए, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें दो होता है, एक तो होता है पीरियड्स। ठीक है, तो इसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। और ये पीरियड्स क्या होते हैं, ये पीरियड्स इसमें होते हॉरिजॉन्टल रोज होती है, उनको पीरियड्स बोलते हैं, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, तो ये 7 पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को, हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। इसी तरीके से बात करें तो 18th ग्रुप्स होते हैं। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, तो जैसे हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं, वैसे वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहां से देख सकते हो 1 से लेके कहां तक, ये 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये तो कहलाते हैं पीरियड्स, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकल कॉलम्स हमारे कहलाते हैं ग्रुप्स। तो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स में डिवाइडेड है हमारी पीरियोडिक टेबल। फिर अगर बात करें तो मेजरली अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा है। 4 ब्लॉक्स कौन कौन से, एस ब्लॉक के अंदर कौन आता है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें पीरियड्स तो 7 कवर हो रहे हैं लेकिन सारे नहीं होंगे। अगर मैं ऐसा
इस तरीके से बोलो तो ज्यादा बेटर है कि ग्रुप्स, ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो भी एलिमेंट है वो दोनों कंबाइन ही क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पी ब्लॉक की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक होता है तीसरा ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे नीचे अलग से दो लाइन दिखती है, ठीक है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती है, एक का नाम लिखा है लैंथेनोइड्स, एक का नाम लिखा है एक्टिनोइड्स। ये जो दो लाइंस है ये कहलाती है एफ ब्लॉक। तो ये पीरियोडिक टेबल में अलग से कैसे, इसका क्या मतलब है, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले। तो एस ब्लॉक जब भी आप देखोगे पेपर पे तो एस ब्लॉक लेफ्ट में, पी ब्लॉक एकदम राइट में, और बीच में इन बिटवीन ये डी ब्लॉक नजर आता है, और एफ ब्लॉक उसके नीचे टेबल के नीचे अलग से दो लाइनें दिखेगी, उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से चार ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल डिवाइड। अगर हम फिर अब बात करें इसके अंदर कि जो पीरियड्स है जो हमने हमने बात करी ली है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स विच आर हॉरिजॉन्टल रोस। फर्स्ट रो के अंदर बात करें तो हाइड्रोजन, ठीक है, पीछे आप देखोगे उसके अंदर तो आपने देखोगे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट था नहीं है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ देखोगे तो ये जो एलिमेंट है ना ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन इधर दिख रहा था अभी जो नेक्स्ट स्लाइड हमने ली थी। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको इन बिटवीन यहाँ सेंटर में दिखाया जाता है। तो इसका रीजन ये है कि ये हाइड्रोजन आज तक कंफ्यूजन है कि इसको डिसाइड नहीं करा पाए कि हम कौन से ब्लॉक में रखना चाहिए, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, या पी ब्लॉक में, या एफ ब्लॉक में, इसलिए इसको यहाँ पे सेंटर में रख दिया जाता है। फिर भी कई बुक्स में या कई जगह पे इसको लेफ्ट साइड में भी स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये वाला जो एलिमेंट है अलग से आपको दिख रहा है ये हीलियम है, ठीक है। 18th ग्रुप का पहला जो एलिमेंट है वो हीलियम है और ये जो एलिमेंट है ये हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। तो फर्स्ट अगर मैं पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एटम आते हैं, ठीक है, तो वही दे रखा वहां पे। तो इस स्लाइड के अंदर यही बताया कि अगर 7 जो पीरियड है तो फर्स्ट पीरियड के अंदर देखेंगे तो लेफ्ट में एकदम हाइड्रोजन लिख दिया और राइट में एकदम हीलियम लिख दिया। फिर सेकेंड पीरियड की बात करें तो इधर लिथियम है, ये बेरिलियम है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बीच में देखोगे ग्रुप जो पीरियड 2 और पीरियड 3 इसके बीच में ये स्पेस खाली रहती है, यहाँ कोई एलिमेंट्स नहीं आता है, ठीक है, इसका भी रीजन एलिमेंट्स नहीं आने का। तो ये पीरियोडिक टेबल जब डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये स्पेस खाली रहती है, मैग्नीशियम के बाद डायरेक्ट एल्यूमिनियम आता है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एल्गन। ग्रुप फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, अब यहाँ पे बीच में एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फिर गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट चलते आते, तो नाम याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो टाइम के साथ हो ही जाएंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि पीरियड 1 के अंदर दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम। पीरियड 2 के अंदर दो तो ये लिथियम, बेरिलियम और उसके बाद बोरोन से लेके नियॉन, ठीक है, तो 6 और 2 8 एलिमेंट है। तो पीरियड 2 के अंदर भी 8 एलिमेंट, पीरियड 3 के अंदर भी 8 एलिमेंट, पीरियड 4 के अंदर 8 के साथ ये 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के और ऐड हो जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना आ जाते हैं, 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से ग्रुप पीरियड 5th की बात करेंगे तो इसमें भी क्या आते हैं, डी ब्लॉक बीच में आ जाता है, तो टोटल 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। 6th पीरियड में बात करेंगे तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं, 7th पीरियड में भी ऑन सोन, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि पूरी कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आरजी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको लास्ट एलिमेंट, इसके आगे भी, ठीक है, यहाँ पर मरकरी के नीचे भी एलिमेंट आएगा और यहाँ ये पूरी रूप कवर होगी, तो यहाँ तक, ठीक है। ये लास्ट 18 ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और यहाँ पर जो एलिमेंट एक और आएगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 118, ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 118। तो अब उनके कुछ कॉमन नेम्स है, जो कॉमन नेम्स है वो नेम दिए गए उनके अलग अलग तरीके नेम देने के, साइंटिस्ट के नाम से या कंट्री के नाम से या जिस सिटी में वो डिस्कवर उसके अकॉर्डिंग भी नाम दिया गया, और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए आईयूपीएसी नेमिंग भी की जाती है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं वो भी हम पीरियोडिक टेबल में डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, सिर्फ एक आइडिया ले लें। उसके अलावा ये जो हमने बोला है ये यहाँ से देख सकते हो, सी ये वाला जो दिख रहा है लास्ट के, तो ग्रीन
के अंदर जो हमारे क्या बोलते हैं एब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये लैंथेनाइड सीरीज और नीचे टीएससी है वो एक्टिनाइड सीरीज है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर क्या है कि ये सेरिलियम और ये ल्यूटेशियम, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो एवलॉक एलिमेंट है, ठीक है, ये लैंथेनाइड सीरीज है यहाँ पे और ये एक्टिनाइड सीरीज है। तो ये इस पीरियोडिक टेबल के अलग से नजर क्यों आ रही है? तो अगर मैं बात करूं तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, ये एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल है इसको अगर मैं बोलूं तो ये पीरियोडिक टेबल है 3D पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये 3D पीरियोडिक टेबल है। अब 3D का मतलब कैसे हो गया? अब 3D का मतलब तो और कुछ होता है, तो यहाँ पे 3D से जो मतलब है वो है इसके एक्स वाई और जेड एक्सिस से मतलब है, ठीक है। एक्स वाई और जेड एक्सिस से इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और ये है यहाँ पर जेड एक्सिस। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस से मतलब है इसके। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ से ये ग्रुप्स जो बने हुए हैं, ठीक है, तो ये तो हो गए इसके पीरियड्स 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस में, जो ये इसके ग्रुप्स बने हुए ये किसपे हो गए? वाई एक्सिस में। तो अब ये जेड एक्सिस क्या है? तो यहाँ पे जो ये लेंथनम है, ठीक है, इसका एटोमिक नंबर जो लेंथनम है यहाँ पे, ये जो लेंथनम है इसके पीछे, अगर मैं बोलता हूँ अगर ये थ्री, इसके पीछे मतलब ये प्लेन है पेपर, और इसके पीछे की साइड जब आप जेड एक्सिस में मूव करोगे, जो आपको इस स्क्रीन के बाहर या अंदर की साइड दिखेगा, उसके पीछे ये सेरिलियम आता है। ऐसे ये जो ए से दिख रहा है एक्टिनाइड, ठीक है, इसके पीछे ये थोरियम आता है। तो ये जो लेंथनम के पीछे सेरिलियम आएगा और उसके पीछे ये 14 एलिमेंट्स आएंगे, और ये कैसे दिखेंगे आपको? जेड एक्सिस पर नजर आएंगे। इसलिए इसको लेंथनम सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ये जो सीरीज शुरू हो रही है लेंथनम से शुरू होती है, ठीक है। ये लेंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इस एफ ब्लॉक की सीरीज, ये एफ ब्लॉक जो है, ठीक है, इसके एक इस हम बोल सकते हैं इस लाइन को हम बोलते हैं लेंथनाइट सीरीज, क्योंकि लेंथनम से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्टिनाइट से स्टार्ट नहीं होता, एक्टिनाइट का अगला एलिमेंट होता है, इसके इसको एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। तो ये लेंथनम के पीछे 14 एलिमेंट्स ये होंगे, और ऐसे इसी तरीके से एक्टिनाइट के पीछे 14 एलिमेंट्स ये होंगे। तो इसलिए ये आपको एस पी और डी, एस पी और डी तो आपको क्या नजर आएगा 2D के अंदर, लेकिन जो एफ ब्लॉक है, ठीक है, एस पी डी ब्लॉक के अलावा एफ ब्लॉक जो है ये, ठीक है, एफ ब्लॉक आपको 3D के अंदर नजर आएगा, लेंथनम के पीछे नजर आएगा ये सी वाली लाइन, और एक्टिनाइड के पीछे नजर आएगा ये टीएच वाली लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3D पीरियोडिक टेबल होती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पहला कि द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, ठीक है, तो हमने बात कर ही लिया हाइड्रोजन एंड हीलियम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, द रिमेनिंग पीरियड्स 2, 3, 4, 5, and 6 कंसिस्ट ऑफ, 2, 3 में मैंने बताया 8 एलिमेंट होंगे, और 4, 5 में 18 एलिमेंट्स, और जो 6 है उसमें 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 6 और 7 में 32 एलिमेंट्स क्यों हो गए? क्योंकि जो 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के जो पीछे आ रहे हैं वो भी उसके अंदर क्या हो जाएंगे? काउंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड, दैट इज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, आर प्लेस्ड बिलो द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो वैसे 3D के अंदर उसके पीछे होता है, लेकिन पेपर में जब हम कॉपी में या रजिस्टर में बनाते हैं या बुक्स में बनाते हैं तो वो 3D में तो हमें पीछे नजर नहीं आएगा, इसलिए हमको, हम क्या करते हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के नीचे जो स्पेस होती है वहां पे दो लाइन्स के अंदर ये हमारे पास लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को वहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ग्रुप वाइज, अगर हम बात करें तो 1 से लेके 2 ग्रुप और 13 से लेके 18 ग्रुप एलिमेंट्स एंड पीरियड वाइज सीरीज एलिमेंट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक है, ठीक है। रिमेंबर एटॉमिक नंबर आल्सो एंड वर्क आउट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर और इनको हम आगे ध्यान रखेंगे। हाँ, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर हम ऑलरेडी उसको क्या कर चुके, याद कर चुके कि उसमें उसका एटॉमिक नंबर, सिंबल, एलिमेंट, एटॉमिक मास क्या होगा, वो सब चीजें, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कुछ आपने कभी नाम भी सुनोगे, ठीक है, नाम क्या सुना होगा, कभी सुना होगा 3D सीरीज। तो ये 3D सीरीज है क्या? तो यहाँ पे डी ब्लॉक को भी फर्दर कैटेगराइज किया या डी ब्लॉक को भी डिस्टिंग्विश किया गया, कैसे, कि इसको बोलते हैं 3D सीरीज एलिमेंट। अभी 3D सीरीज एलिमेंट क्या है, जहां से डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। तो ये 4th पीरियड में जितने भी 10 एलिमेंट है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है, ये कहलाते हैं 3D सीरीज एलिमेंट।
तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, स्कैंडियम का कितना होगा 21, तो यहाँ से 21 से लेके 30 तक, मतलब 21 से लेके 30 तक जो एलिमेंट है वो 3D सीरीज एलिमेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से उसके नेक्स्ट जो नीचे डी सीरीज के लाइन है Y से, ये Y मतलब यट्रियम और CD मतलब कैडमियम, तो यट्रियम से लेके कैडमियम तक है वो 4D सीरीज एलिमेंट कहलाते हैं और ये होते हैं 39 से लेके 48 एलिमेंट। इसी तरीके से 5D सीरीज एलिमेंट इसके नेक्स्ट वाली लाइन होती है LA, लैंथनम से लेके और कहां तक मरकरी तक, ये 5D सीरीज एलिमेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से 6D सीरीज एलिमेंट एक्टिनाइड से लेके लास्ट तक इस एलिमेंट तक आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हुई डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात। इसी तरीके से हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट की अगर बात करें, ये जो दो एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक भी होता है, तो एफ ब्लॉक में भी जैसे 3D से स्टार्ट होता है डी, वैसे एफ स्टार्ट होता है फोर्थ, कहां से, यहां से, ठीक है, फोर्थ शेल नंबर से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 4F सीरीज, ठीक है। ये जो 4F सीरीज है ये कहां से, एसी सेरिलियम से लेके ल्यूटीशियम तक स्टार्ट होती है, तो इसका एटॉमिक नंबर है वो 58 होता है और कहां तक चलता है 71 तक। इसी तरीके से 5F सीरीज होती है, 5F सीरीज उसकी नेक्स्ट वाली होती है TS से स्टार्ट होके LR तक, ठीक है, थोरियम से लेके लोरेंशियम तक होता है 90 से लेके 10 तक। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये कि जो लेंथनम है, ठीक है, लेंथनम आप देख सकते हो, लेंथनम कहां पे, ये 6 पीरियड के अंदर ये वाला एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है 57। 58 कौन सा है, ये वाला एफ ब्लॉक का एलिमेंट सेरिलियम। तो 57 के बाद इसका नेक्स्ट यहां पे देखोगे तो डायरेक्ट एलिमेंट कौन सा है, एटॉमिक नंबर आ रहा है 72। तो बीच में 57 से लेके 72 के बीच में 14 एलिमेंट्स आ रही है, ये 14 एलिमेंट्स इसके 4F सीरीज के है, लेंथनम सीरीज के, 58 से लेके कहां तक, 71 तक, ठीक है। तो ये 57 के पीछे, उसी के पीछे, लेंथनम के पीछे 14 एलिमेंट्स होंगे 71, फिर ये 72, 73, 74, 75 इस तरीके से चलते हैं। सेम एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर है 89 और 89 के जस्ट आगे आप देखोगे 3D सीरीज में तो ये आ रहा 104, जबकि इसके बीच में देखोगे तो कितने 14 एलिमेंट का डिफरेंस आ रहा। तो 14 एलिमेंट कौन से, ये 5F सीरीज के, थोरियम से लेके लोरेंशियम तक, दैट मींस 90 से लेके 103 तक। तो F ब्लॉक एलिमेंट ध्यान रखना 4F सीरीज या लैंथनम सीरीज, 58 से लेके 71 एलिमेंट होते हैं एटॉमिक नंबर, और 5F सीरीज 90 से लेके 103 होते हैं एटॉमिक नंबर, क्लियर, ठीक है। तो ये हमने आज पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा है, तो बेसिक मॉडर्न फॉर्म देखा है, डेवलपमेंट भी है इसका, लेकिन डेवलपमेंट हम आगे देखेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।